जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिश मेरी। पहले गाइस आपको काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर विदाउट वाटरमार्क का। देन फ्रेंड्स इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके 9.16 रेशियो क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे जाना है, ब्लैक कलर को बैकग्राउंड को ले लेना है, जितना दूर स्टेटस करना चाहते हो उतना दूर कर दें, और लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, और इस फोटो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इस फोटो को यहाँ पर उतना इंपोर्ट कर लेना है, और जितना दूर स्टेटस है उतना दूर आप कर लें, और अपना फिंगर से इसे बड़ा करें लाइक ऐसा, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा गाइज। उसके बाद गाइज इसका नीचे पे आपको ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप लेयर पे जाइएगा, मीडिया पे जाइएगा, जिस फोटो का आपको स्टेटस करना है उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो फोटो को इंपोर्ट करने के बाद उससे आपको बड़ा कर लेना है और यहाँ रख लेना है लाइक, और थोड़ा बड़ा और यहाँ रख लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फोटो को आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है और जितना दूर स्टेटस उतना दूर कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। तो गाइस दो फोटो यहाँ पर हो जाता है, तो एक ओवरऑल एनिमेशन पर जाइएगा एक फोटो के अंदर, उसके बाद पल्स पे क्लिक कर दीजिएगा और नीचे पे इसका कलर फिल्टर आपको जो पसंद है उससे आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस कलर फिल्टर को सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट में क्लिक करिएगा और सेंड टू बैक कर दीजिएगा, और जो फोटो में आप कुछ कलर फिल्टर ऐड नहीं किए उस पर सिलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, सेंड टू बैक कर दीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और इस टेम्पलेट सॉरी इस डॉट डॉट्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, इस बार्स का, तो आपको इससे इंपोर्ट कर देना है और यहाँ पर फिट कर लेना है अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और गाइस आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इससे यहाँ पर इंपोर्ट करना है और इसे छोटा करके आपको यहाँ रख लेना है लाइक, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, ये और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जितना दूर आपका स्टेटस हो उतना दूर आप इसे कर दें। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और ये PNG आइकॉन ऑडियो का, इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इसे भी अच्छा से एडजस्ट कर लेना है, नीचे पे रख लेना है, और जितना दूर स्टेटस उतना दूर आप इसे भी कर लें। सो गाइस आपको कोई भी ब्राउजर पे आ जाना है, उसके बाद आने के बाद आपको जो गाना का लिरिक्स चाहिए उस गाना का नेम देन लिरिक्स लिख दीजिएगा, जैसे जब तक सॉन्ग लिरिक्स, तो इसके बाद आप देख सकते हैं जब भी आप सर्च किएगा तो आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएंगे, और ना आप काफ़ी सारे वेबसाइट पर विजिट करके भी कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस आप जो पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर डबल टैप कर देना है और जो आप लिरिक्स कॉपी किए हो यहाँ पर उसे पेस्ट करना है, और देख सकते हैं गाइस जब तक तेरी वो लाइन बड़ा रखिएगा, उसके बाद जो आँच है वो छोटा ऊपर के लाइन से छोटा, देन फिर से बड़ा लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक स्पेस दिया हूँ, उसके बाद मैं जलना, उसके बाद लू जब वो छोटा लाइन, और तक तेरे साथ वो बड़ा लाइन, देन मैं छोटा लाइन, फिर स्पेस मिल जाएगा एक ऑन करके, मतलब एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन के बाद एक स्पेस, चार लाइन के बाद एक स्पेस देना है, और गाइस उससे आपको सेव कर लेना है, और यहाँ पर आपको ए पे चले जाना है और नीचे पे फॉन्ट देखने को मिलेगा, तो फॉन्ट पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर माय फॉन्ट्स पे चले जाना है, और यहाँ पर फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करना है, और आपको मैं एक फॉन्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उससे डाउनलोड कर लेना है, तो डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली ऐड डायरेक्टरी में क्लिक कर देना है, तो वो आपका इस पर सेव हो जाता है। देन फॉन्ट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, तो देख सकते गाइस फॉन्ट्स ऐसा है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर में देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, उस पर क्लिक कर देना है, या उसके बाद गाइस इसे आप सेव कर लें। उसके बाद गाइस जो आप पिक्सेल लैब से बनाए हो उससे यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, तो लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और उस पिक को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो पिक को इंपोर्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जितना दूर स्टेटस उतना दूर आप इसे कर दें, और उसके बाद यहाँ पर इसे आप बड़ा करें जितना आप बड़ा करना चाहते हैं, और गाइस यहाँ पर आप इसे अच्छा से ऐसा एडजस्ट कर लें। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और इस हार्ड वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है, नीचे पे जाना है ब्लेंडिंग पर और मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उस वीडियो को लेना है, और गाइस आपको क्या करना है, इससे आपको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख लेना है लाइक, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, उसके बाद इससे आपको छोटा कर लेना है। सो फ्रेंड्स उसके बाद उस वीडियो पे फिर से क्लिक करना है हार्ट वाला, और 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है, और आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेट को नीचे तरफ रख लेना है लाइक ऐसा, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नीचे तरफ रख लेना है। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और बॉर्डर को इम्पोर्ट कर लेना है, तो मैं सिंपली बॉर्डर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक कर लेना है, फिट कर लेना है अपनी स्क्रीन पर। सो गाइस आपका स्टेटस बनके तैयार हो चुका है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ जो कैसा स्टेटस बना है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना है स्टेटस, तो बहुत सारे लेयर्स के लिए अभी क्रैक कर जा रहा है, बट अगर आप एक्सपोर्ट कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक प्लीज कर दो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।